हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग है वो है 3 तारीख का। मैं अपने मायके गई थी समर कोट। क्यों गई थी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और यहाँ पे देखो कायू बहुत खुश है, अपने मामू के घर आके नाच रही थी। तो हम क्यों आए थे मैं बता देती हूँ आपको। मेरे गाँव में मेला था जहाँ की मैं हूँ, मतलब मेरा मायका समरकोट में है, कटेड़ी गांव में। तो वहाँ पे देवता जी आए थे। जैसे हर साल जो देवता जी हैं वो दौरे पे निकलते हैं, तो हमारे देवता हैं महेश्वर देवता जी, जो कि पुजाली के हैं, पुजाली। तो वो दौरे पे निकलते हैं तो सारे गांव में जाते हैं। तो वो 3 तारीख को जो है वो कटेड़ी गाँव में आ रहे थे, जो कि मेरा गाँव है कटेड़ी। तो यहाँ पर देखो हम सब जा रहे हैं, मेरी चाची, मेरे पापा, मेरे चाचू। तो यहाँ पे हम फूल तोड़ रहे थे देवता जी के लिए। तो कायू भी बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए। राहुल भी आए थे, हम तीनों आए थे, राहुल, मैं और कायू। तो यहाँ पे मम्मा, पापा और कायू, मेरी चाची जो है वो वीडियो बना रहे हैं हमारी। तो जो हमारा घर है वो है समरकोट में, प्रॉपर समरकोट में। पर जो हमारा गांव है वो है कटेड़ी, थोड़ा सा ही दूर है समरकोट से, मतलब थोड़ा ही जाना पड़ता है। तो लगता नहीं है कि अलग अलग गांव है, ऐसे ही लगता है कि एक ही गांव है। बट थोड़ा सा वो दूसरा गांव है, जो समरकोट है वो दूसरा गाँव है। और हम रहते हैं समरकोट में, वैसे हम हैं कटेड़ी से। तो यहाँ पर ये रास्ता है, थोड़ा सा बरसात में ख़राब हो जाता है। यहाँ पे पापा वगैरह वेट कर रहे हैं हमारा, क्योंकि हम, मैं और मम्मा आराम आराम से आ रहे थे। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है, जो पापा और कायू के पीछे जो दिख रहा है वो है बैई। ये बहुत पुरानी बैई है हमारी, मतलब मुझे भी, मैं भी बहुत छोटी थी तब, मतलब बहुत पुरानी है, बहुत ही पुरानी है शायद से। और इसका पानी इतना ठंडा होता है, इतना अच्छा होता है नेचुरल वाटर। तो बस थोड़ा सा ही रह गया। और जो ये आपको सामने घर दिख रहा है वो है मेरे सबसे बड़े पापा का, वो गांव में ही रहते हैं, कटेड़ी गांव में। तो ये उनका घर है, यहाँ पे ही देवता जी भी आते हैं। जो यहाँ पे खलियान है वहाँ पे ही मेला लगाते हैं देवता जी। और ये लोग देखो, अभी तो बहुत कम लोग हैं, मतलब धीरे धीरे आ रहे हैं अभी लोग। तो यहाँ पे ये सब एक दूसरे को नमस्ते कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। तो जैसे ही हम ऊपर गांव में पहुँचे तो हम अंदर गए, मेरे ताऊ जी का घर है ये। ताऊ जी हम बड़े पापा ही बोलते हैं पहले से ही, तो ये उनका घर है। तो हम मिलने चले गए सबसे, और बहुत सुंदर घर है, पूरा लकड़ी ही लकड़ी का बना हुआ है। और जो ये सामने आपको मंदिर दिख रहा है वो है हमारे महेश्वर देवते का। यहाँ पे कुछ चिन्ह रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मानते हैं, मतलब इस, ये पूरा मंदिर का ही रूम है। और ये है मेरी सुंदर सी सबसे बड़े दीदी और मेरी मम्मा, ये मेरी बुआ है। और यहाँ पे सब लोग थाली सजा रहे हैं देवते आने के लिए, धूप वगैरह, माला वगैरह जो भी होती है। और ये जो पीछे से आ रहे हैं ये मेरी बड़ी मम्मा। तो यहाँ पे सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं देवते जी के स्वागत के लिए। और ये मेरी भाभी है, जिनका ये घर है, सबसे बड़े भाभी है मेरे ये। और मेरी बहुत बड़ी फैमिली है यहाँ पर। ये जो मेरी दीदी है ये सबसे बड़े दीदी है। और ये मेरी बुआ है, मतलब मेरी 5 बुआ, 2 चाचू और 2 ताऊ हैं, मतलब पूरे 5 भाई हैं ये लोग। और बस देवता जी भी आने ही वाले थे, तो हम लोग सारे अब तैयारी कर रहे थे बाहर जाने की, खलियान में जाने की। और यहाँ पे आ गए हैं, मतलब जो बजाने वाले होते हैं देवता जी के साथ, वो आ गए थे।
आपका कार्य काम है कोई वो थोड़ा नहीं है। तो जैसे ही देवता जी नाच के फ्री हुए वैसे ही उन्हें थोड़ी देर खलिहान में ही बिठाया गया, क्योंकि जैसे लोग किसी ने पूजा करनी होती है, किसी ने माला डालनी होती है, किसी ने जो इनके सर पे है साड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो कोई वो चढ़ाता है, तो इसलिए देवता जी को थोड़ी देर खलिहान में ही बिठाया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से देवता जी खलिहान में बिठा दिया था और फिर सब लोग टिक्का डाल रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो मैं और कायू भी ब्लेसिंग्स ले रहे थे अपने देवता जी से, और आप सब भी मेषर देवते की ब्लेसिंग्स ले लीजिए और आप सभी को मेषर देवता ब्लेस करें। और यहाँ पे दीदी बुआ भी टिक्का और फूल चढ़ा रहे हैं, धूप भी दे रहे हैं। और ये मेरी दादी हैं, मतलब काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, बट फिर भी जब देवते का फंक्शन होता है और शिवरात्रि होती है तो ये आते ही आते हैं। मतलब जो हमारा पुराना घर है वहाँ पे दादी जो है वो मेरे सबसे छोटे चाचू के पास रहते हैं और वो समरकोट में रहते हैं, बट फिर भी दादी आते ही आते हैं ये दो फंक्शन में। जैसे ही देवता जी को उठाया वैसे ही सब लोग बैठ गए खलिहान में रखेड़ के लिए। तो देखिए सब लोग बैठे हुए और देवता जी उनके चारों तरफ घूम रहे हैं। एक तरह से हमारी भाषा में इसे रखेड़ बोलते हैं, एक तरह से ये जो है देवता जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और हमारे दुख दर्द अपने पास ले जा रहे हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं और दीदी भी आ गए हैं रखेड़ में, बैठे हुए थे हम दोनों भी। और जैसे ही हम घर को जाए थे वैसे ही थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लग गई थी, क्योंकि घर को जाना ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पर पूजा भी करनी होती है, क्योंकि जैसे देवता आते हैं उनके लिए पोल्डू और बड़े लगाए होते हैं। वैसे तो कुछ खास होता नहीं है मेले में, बट ये मेला ऐसा होता है कि हर साल होता है। जैसे पुराने ज़माने में होता था, जैसे राजा होते थे वो अपनी प्रजा को देखने जाते थे कि कैसे हैं, वैसे ही देवता जी साल में एक बार अपनी जो जहाँ पर उनका दायरा है वहाँ पर आते ही आते हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।